हेलो चिल्ड्रन, से हेलो बेटा। हाथ नहीं हिलाना है, हेलो बोलना है मुंह से हेलो बोलिए। आप कोई माइक को उठा के बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो। हेलो सर। और बस एक ही आवाज आई। हेलो हेलो, यस, हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग अगर है ना, हेलो हो जाएगा। हेलो हाँ, सबके माइक जो हैं। हेलो हेलो नर्सिंग सर। पूल, हेलो सर। हेलो। ठीक, गुड गुड बाय नहीं है, इट्स हाय, इट वुड बी गुड बाय आफ्टर 3:30। हेलो सर। हेलो, ठीक है। नसरुल्लागंज से कोई है यहाँ पर? ठीक हेलो है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब बहुत हेलो हो गया। सर। हमारा पहला अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था यूक्लिड का विभाजन, और उस यूक्लिड के विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना। एमपीएस नरसिंहपुर, प्लीज ध्यान दें, यस सर। एमपीएस नरसिंहपुर, ठीक है, ध्यान दें। तो उसमें हमने पढ़ा था अंक गणित प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी हमने। तो ये कोई बता सकता है क्या थी ये? सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? अब मेरी सर आवाज आ रही है? गूंज रही गूंज रही। यस सर। गूंज रही है? 2 सेकंड बोलते। सर आ गई आवाज। हुई भाज्य संख्या, अभाज्य। भाज्य संख्या हुई 20, और इसको अपन ने किसके रूप में लिखा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिखा। तो ये अंक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाइए। अब किसी दूसरे स्कूल से बताएंगे, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ये पढ़ा था अपन ने, बताइए। छिंदवाड़ा से बताइए, सीहोर, नसरुल्लागंज, सीहोर, नसरुल्लागंज, सीहोर, नसरुल्लागंज, सीहोर। मैं आया था कल आपके यहाँ परसों, बताइए। नसरुल्लागंज, सीहोर, आपका ऑडियो ठीक है? ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है, नसरुल्लागंज, सीहोर। ठीक है, कोई और बताइए। बागधार, आप ही बताइए, मालूम है क्या आपको? कैसे बोलूं? बताइए, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बेटा, आपने उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करके बता दिया। भाज्य बराबर, बोलिए आगे क्या बोला? भागफल गुणित भागफल गुणित भागफल भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे अपन इसको रिलेटेड करते हैं, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ, किसी पूर्णांक एक को पूर्णांक बी से विभाजित करने पर जो शेषफल आर मिलता है, आर मिलता है, सर।
उसका मान क्या होता है, बी से कितना होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, ठीक। तो यहाँ पर हमारी जो ज्यादातर क्वेश्चन में हमारी समस्या जो होती है वो हमारी समस्या बी होती है, ठीक। जब हम पिछली क्लास में कर रहे थे तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, अब हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपकी प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को बन सकता है ये क्वेश्चन, हाथ ऊपर करके बता दीजिए, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। देखिए मैं प्रश्न लिख रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम या 3m+1 प्रकार का होता है। बता सकते हैं आप लोग, बताइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, बताइए, कोई बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, कोई बता सकता है क्या? यूक्लिड हाथ ऊपर करके बताइए, हाथ ऊपर करिए, कोई बता सकता है क्या? ये मंगलवाड़ा होशंगाबाद, हाँ आप बता सकते हैं, तो ये टीचर जो हैं इनके, इनके जो टीचर हैं वो इनको माइक दीजिए, मंगलवाड़ा होशंगाबाद। मंगलवाड़ा होशंगाबाद माइक अवेलेबल नहीं है क्या? माइक अगर आपके पास नहीं है तो हाथ ऊपर करके बताइए मेरे को, माइक है बेटा? नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा बताइए। छिंदवाड़ा, एमपीएस छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा बताइए। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को, बागधार आप बता सकते हैं क्या? बागधार आप बता सकते हैं क्या? बागधार माइक पे बोल के बताइए। सर नहीं आता, नहीं आता, ठीक है बेटा, नहीं। ये जो है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इन्होंने बोला है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का, ठीक है, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका जो है वो उसके अनुसार क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, या जैसा आपने बोला था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसा बोला था आप लोगों ने, ठीक। तो ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है,
प्रमेयी का। अब हमें हमारा प्रश्न देख के इसमें से जो किसका चुनाव करना है, बी का चुनाव करना है। सबसे पहले बी का चुनाव करना है, तो बी का चुनाव करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है ये देखना है। का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 प्रकार का होता है। तो b बराबर अपन ने कितना ले लिया, 3 लेने पर। जब b 3 ले लिया तो r का मान कितना होगा, बागधार आप ही बताइए, आपका ऑडियो सबसे अच्छा चालू है, बताइए r का मान कितना होगा। जब b 3 ले लिया तो r का मान कितना होगा, सर देखिए ये किसे, 0 1 2 जीरो एक दो। बहुत बढ़िया बेटा, ये हमें मालूम है कि प्रतिबंध क्या है अपना, प्रतिबंध है कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। तो b से छोटा होगा तो इसका मतलब b अपन ने 3 लिया है तो r का मान होगा आपका r बराबर 0 1 और 2 होगा। क्या क्या हुआ बेटा, 0 1 और 2। तो हमारी यूक्लिड की बस हो गया बढ़िया बेटा, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर से, पहली बार b का मान क्या है हमारा, 3। a बराबर 3q और r का मान पहली बार क्या रखा, 0, तो ये हो गया आपका 3q। दूसरी बार ये फर्स्ट टाइम है, दूसरी बार में ये पहली बार, दूसरी बार में a बराबर b की जगह 3q और r की जगह कितना रखा, 1, तो ये हो गया आपका 3q प्लस 1। और तीसरी बार में ये हो गया आपका a बराबर 3q प्लस 2। अब आपका प्रश्न जो है, इतना समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया तो हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाथ ऊपर करने का मतलब मैं ये समझूंगा कि समझ में आ गया है, ठीक है। होशंगाबाद आप तक मेरी आवाज आ रही है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, हाथ ऊपर करके बता दीजिए आपका। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, तो यहाँ तक हमने 3 मान निकाल लिए। अब अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। हमारा प्रश्न ये बोलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें क्या देखना है, वर्ग। तो वर्ग निकालें इसको और वर्ग देखें कि यह 3m या 3m प्लस 1 प्रकार का है कि नहीं है। तो इनके सबके वर्ग निकालते हैं। ये पहली कंडीशन में a बराबर 3q होने पर a का वर्ग यानी 3q का वर्ग क्या होगा, 3q का वर्ग, 3q का वर्ग क्या होगा। किस किस का ऑडियो चालू है, पहले तो सब लोग अपने अपने हाथ में माइक ले लीजिए, स्टूडेंट के हाथ में माइक दिखाई देना चाहिए मेरे को। मंगलवार होशंगाबाद, ठीक है। हाँ बागधार आप ही बताइए, 3q का वर्ग कितना होगा, क्यू। हेलो सर, हेलो सर, हाँ बताइए, 3q वर्ग, 9q वर्ग, 9q वर्ग, बहुत बढ़िया, 9q² या 9q वर्ग। पर इन्होंने बोला कि ये 3m या 3m प्लस 1 प्रकार का होना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1। तो इसमें लेके देखते हैं अपन, 3 कॉमन आ रहा है, हाँ 3 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचा, सर ऊपर करो दिखाई नहीं दे रहा। अपन ने 3 कॉमन ले लिया, अब बताइए अंदर कितना बचा, 3 क्यों आएगा, 3 क्यों, क्यों क्यों वर्ग। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, तो हमारा m की जगह यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है। तो
तो ये कौन से प्रकार का हो गया हमारा, तीन एम प्रकार का हो गया। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, अब हमने दूसरा वाला लिया, दूसरा वाला है हमारा ए बराबर थ्री क्यू प्लस वन, इसका वर्ग किया, ए का वर्ग बराबर थ्री क्यू प्लस वन का वर्ग। भागधार आप ही बताइए इसका वर्ग करके, भागधार भागधार बताएं, भागधार बताइए प्लीज। हाँ, इसमें कोई सर्वसमिका लग रही है क्या, कोई सर्वसमिका लग रही है? हाँ सर। कौन सी, कौन सी सर्वसमिका लग रही है? देखिए, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस टू गुणा ए गुणा बी प्लस बी का वर्ग। ठीक है, ये सर्वसमिका लग रही है, लग रही है ये a प्लस बी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिया तो ये हो गया तीन क्यू का वर्ग प्लस दो गुणा तीन क्यू गुणा एक प्लस एक का वर्ग। तीन क्यू का वर्ग अभी आपने बताया था मुझे, तो नाइन क्यू का वर्ग, ये दो का तीन में गुणा करा, दो या छ, छ एकम छ, तो छ क्यू प्लस एक का वर्ग एक। पर हमें ये इन पूरी कंडीशन में तीन कॉमन लेना है, तो तीन कॉमन कहाँ कहाँ से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इन दोनों में से तीन कॉमन आ रहा है। ठीक है भागधार, आप तो हाँ या ना बोलिए, तीन कॉमन आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, तो तीन कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया अपना थ्री क्यू का वर्ग, थ्री टू जा सिक्स टू क्यू प्लस वन, तो यहाँ पे ये पूरा अपना m हो गया। ठीक है, m बराबर क्या हो गया, थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस टू क्यू, तो ये हमारा कौन से प्रकार का हो गया, थ्री एम प्लस वन प्रकार का। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया, हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये तीन एम प्लस वन प्रकार का, एक तीन एम प्रकार का हो गया, एक तीन एम प्लस वन प्रकार का हो गया। अब तीसरा वाला देखते हैं, ये अपना तीसरा वाला क्या था, थ्री क्यू प्लस टू, तो थ्री क्यू प्लस टू को देखेंगे। थ्री क्यू ए बराबर है थ्री क्यू प्लस टू, तो ए का वर्ग बराबर थ्री क्यू प्लस टू का वर्ग। बताइए इसका वर्ग कितना होगा, सब लोग कॉपी पे करके बताइए, कॉपी पे कर लीजिए और फिर हाथ उठा के बताइए कि मैंने निकाल लिया है। थ्री क्यू प्लस टू का वर्ग बताइए, बताइए जल्दी निकालिए, निकालिए नसुल्लागंज सीहोर निकालिए, निकाल लिया है, अगर जिस जिसने निकाल लिया है हाथ ऊपर कर दीजिए। आपने निकाल लिया है, बागधार ने निकाल लिया है, बताइए बताइए। हेलो सर। हाँ बताओ बेटा। सर नौ क्यू स्क्वायर प्लस चार, तो चार चार चार। बेटा कुछ गलती हो गई है आपको, फिर निकाल के देखिए, कोई और बताने का है? चार सर। नहीं नहीं नहीं, आपने इसका और इसका अलग से वर्क कर दिया। हाँ प्लस, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको कि कैसे प्लस टू का वर्ग निकालना है अपने को। तो एक सर्वसमिका लगाते हैं हम, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस टू ए बी प्लस बी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ a की जगह कितना है, a की जगह पर कितना है, थ्री क्यू ए तीन क्यू ए, बागधार
देखिए एक एक शिफ्ट कितना है, सर तीन क्यू, बी की जगह पर कितना जगह, बी की जगह दो, बी की जगह दो, तो इसको इधर लिखते हैं अपन, ए की जगह कितना तीन क्यू, तीन क्यू प्लस दो, दो ए की जगह पे तीन क्यू, बी की जगह पे दो, तो बहुत बढ़िया, बी की जगह पे दो स्क्वायर, दो स्क्वायर बहुत बढ़िया, तीन क्यू का स्क्वायर किया तो कितना हुआ नौ, नौ स्क्वायर, इनका गुणा करा तो पहले संख्याओं का कर लेते हैं, दो दूनी बारह, बारह प्लस दो का स्क्वायर चार, ठीक है ये बना अपना, समझ में आ गया बेटा, तो ये हाँ हुआ नो क्यू स्क्वायर, बैठे आइए बेटा, ठीक है प्लस बारह क्यू प्लस चार, फिर मैंने आपको सबसे पहले बताया था इस पूरे प्रश्न में अपने को तीन कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है तीन, क्या कॉमन लेना है बेटा तीन, तो इस चार में से तो तीन कॉमन ले नहीं सकते, तो इस चार को मैं ऐसा लिख लेता हूँ नो क्यू स्क्वायर प्लस बारह क्यू प्लस चार को मैं तीन प्लस एक लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बेटा बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, हाँ सर, है ना, अब अपना इस पूरे में से तीन कॉमन आ सकता है, इसमें से आता है नौ तीन से कटता है कि नहीं कटता है जी, बारह तीन से कट जाता है, बताइए बागधार, बागधार बताइए बारह तीन से कट जाता है, हेलो सर, हाँ हाँ सर कट जाता है, तो इसमें से तीन कॉमन निकाल लिया, तो तीन का नौ टू स्क्वायर तीन चौको बारह चार चार तीन कम तीन जो है एक अलग से हो गया, तो अब बताइए इसमें एम क्या है अपना, तीन एम तीन एम प्लस एक, हाँ तीन एम का, एम का मान बताइए इसमें एम का मान क्या है, तीन एम प्लस एक, तीन एम प्लस एक तो हो गया ये, लेकिन इसमें एम का मान कितना है, एम एम है आपका ये पूरा है ना, हाँ सर, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, तो ये कौन से प्रकार का हो गया, थ्री एम प्लस तीन एम प्लस हो गया, तो पहला हाँ वाला आपका थ्री क्यू आया था और बाकी के दोनों कौन से आए थे, थ्री एम प्लस वन, समझ में आ गया बेटा, समझ में आया, ठीक है हाँ। एक क्वेश्चन अगर आपको करना आ गया तो समझ लीजिए पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आ गई, ठीक है हाँ सर, अब अगला प्रश्न जो है वो मैं नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको फिर से लिखना है करना है, करिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रमेयिका का प्रयोग करके, अभी अपन ने वर्ग दिखाया था आप घन करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होता है, बताइए करने की कोशिश करिए, इसको करिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में करिए, ऑडियो है ना इनका सही दबा है, एक टोटल एक ही स्कूल का चल रहा है, वहीं पे लोकली नहीं चल रहा,
अच्छा अच्छे हैं, एक ही स्कूल कर रहा है। साथी रायसेन हो गया क्या आपका? साथी रायसेन साथी आपका माइक कहाँ है? ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब है यहाँ पर, 9m कॉमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होता है। करिए इसको क्वेश्चन। तिमनी हल्दा, तिमनी हल्दा, तिमनी हल्दा, तिमनी हल्दा, नसलागन सीहोर। हेलो सर, नसुल्लागंज। हाँ जी हो गया बेटा, नसुल्लागंज बताया, नसुल्लागंज बताइए। ठीक है आप लोग कर रहे हैं, दो मिनट के लिए रुक जाएं, दो मिनट के लिए रुक जाइए। अब जो मैं प्रश्न करूं उसका उत्तर दीजिएगा, सबसे पहले हाथ उठाइएगा कि किस किस को उत्तर आता है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के लिए आपने क्या लिखा? ए बराबर हाथ उठा के बताइए किस किस को मालूम है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। रायसेन, साथी रायसेन आप बताइए क्या लिखा है, माइक लेके बताइए। साथी रायसेन माइक लेके बताइए। हेलो। हाँ बताए। हाँ सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब आपकी समस्या क्या है इसके बाद में सांची? यस सर। अब आप क्या करेंगे इसके आगे? सर बी बराबर, बी बराबर कितना सर, लिया आर बराबर, पहले तो आपको बी लेना पड़ेगा तब तो आप आर निकालेंगे। बी बराबर कितना लिया? बी बराबर 9। देखिए बी बराबर 9 आप ले सकते हैं ठीक है, लेकिन बी को 3 भी लेके देखिए। क्या लेके देखिए? 3 भी लेके देखिए ठीक है। खैर ठीक है आप बी बराबर 9 लेके करिए, तो बी बराबर 9 लेके करेंगे तो आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा? 0 से 8 ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। तो आपके पास ए के मान क्या क्या आएंगे, ए का पहला मान क्या होगा? 0 सर। बागधार बताएं आप बैठे हैं बेटा, ए का पहला मान क्या होगा? बागधार बताएं, था समझ में आ रहा है? हाँ बताओ बेटा, माइक चालू नहीं हो रहा क्या? अभी तो चालू था, ऑन कर लो बेटा, चालू नहीं हो रहा। तिमरनी हरदा नरसिंहपुर। हाँ बताए कौन बता रहा है? हाँ बताइए बताइए, आपके बागधार आपकी आवाज आई है, बताइए। तिमनी हरदा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? माइक में बोल के बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बताइए, नसुल्लागंज सीहोर। चलिए अगर आप नो लेते हैं
तो आपका मान जो है बी क्यू प्लस आर बताइए। हाँ क्या भागधार आपको समझ में नहीं आया क्या? आ गया तो हाथ ऊपर, भागधार हाथ ऊपर कर दीजिए अगर आ गया तो। ठीक है सांची रायसेन आपका हाथ देख लिया, हाँ वेरी गुड। ठीक है मैं बता देता हूँ, अगर आप नो लेके चल रहे हैं इसका जो मान है आप लिखेंगे तो पहला होगा नो क्यू प्लस जीरो, फिर दूसरा वाला होगा नो क्यू प्लस एक, फिर नो क्यू प्लस दो, ऐसे करके आपको आठ तक ले जाना पड़ेगा। ये आपके स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है इसीलिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ, नहीं तो आप तीन लेके भी इसको कर सकते हैं। इस प्रकार अपने को जब यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से कोई भी प्रश्न हल करना होता है तो सबसे पहले हमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेय लिखनी होती है और उसमें से बी का मान चुनना होता है, बी का सही मान चुनना होता है। ये इन क्वेश्चंस की थीम होती है, ये इन सब क्वेश्चंस की थीम है। तो इस प्रश्न को आप लोग करेंगे और अगली क्लास में मुझसे पूछेंगे या अपने क्लास टीचर से पूछेंगे। फिर इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर अगला एक्सरसाइज है वो है 1.2, ये है एचसीएफ और एलसीएम पे। तो अभी तक आपने एचसीएफ निकाला था यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकाला था वो सभी को मालूम है। अब अपन एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों से, किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंडों से। अभाज्य गुणनखंडों द्वारा हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे और उनके संबंधों को पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ बताता हूं, ये देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है हिंदी में जो बोलते हैं महत्तम समापवर्त, तो उसको आप भूल जाइए, एचसीएफ ही बोलिएगा। तो एचसीएफ जो होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य, कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ होता है। समझ में आया बेटा? सांची सांची विदिशा सांची रायसेन समझ में आया जी? समझ में आ गया? कोई उदाहरण देके बता सकते हैं मेरे को? साथी कोई उदाहरण देके बता सकते हैं? नहीं तो नहीं समझ में आया तो मुझे मुझसे पूछिए, क्योंकि जो थ्योरी में लिखा होता है वो बिना उदाहरण के इतना अच्छा समझ में नहीं आता है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ होता है। साथी उदाहरण देके बता सकते हैं? माइक ले लीजिए अपने हाथ में। साथी आपके हाथ में माइक दिखना चाहिए सबसे पहले मेरे को, यहाँ वीडियो में आप स्टूडेंट्स के हाथ में किसी के भी हाथ में माइक नहीं दिख रहा है। हाँ अब बोलिए, आप कोई उदाहरण बताइए। हाँ साथी अभी आपने रिस्पॉन्ड किया था थोड़ी देर पहले, या आपके यहाँ जो मैडम बैठी हैं प्लीज माइक ऑन करके दे दें इनको। सांची सांची मैडम सांची मैडम को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ बेटा माइक सर। छ तो आपने दो संख्याएं बताइए आप मेरे को, दो संख्याएं जिनका आप महत्तम समापवर्तक निकालना चाहते हैं। छ और बीस। बीस तो कैसे निकालेंगे इसको सर? गुणनखंड करके। छ के गुणनखंड क्या क्या होंगे? दो गुण तीन। दो और तीन, ठीक है। बीस के गुणनखंड क्या क्या होंगे? दो गुणित दो गुणित पांच। दो गुणित दो गुणित पांच। तो अब इनका एचसीएफ क्या होगा? पहले इसमें दो की घात कितनी है? दो कितने बार आया है? एक बार। दो एक बार आया है तो दो की घात एक। तीन कितने बार आया है? एक बार। तो तीन की घात भी कितनी हुई बेटा? एक। एक, ठीक है। यहाँ दो कितने बार आया है? दो बार। दो, ठीक है।
और पांच कितने बार आया है? एक बार। तो पांच की घात कितनी होगी? एक। एक, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला था एचसीएफ फिर से देखो, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में एक जैसा हो, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है? तो पहले इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? दो है। यस सर। इसमें छोटी घात क्या है, एक है कि दो है? एक। एक, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा दो की घात कितनी? एक। एक। दो की घात एक का मतलब कितना हुआ? दो। दो। समझ में आ गया बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अब और कोई दो संख्याएं लेते हैं और उसका करके बताइएगा आप। इसमें 14 और 32, इसका करके बताइए। 14 और 32 का एचसीएफ निकाल के बताइए, निकाल लीजिए फिर मुझे बताइएगा, हाथ ऊपर कर दीजिएगा। तिमानी हजा, ये पीछे लास्ट में इंसान आए थे, आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? छिंदवाड़ा, आप लोग इधर उधर मत घूमिए। दतिया, आप लोग कॉपी निकाल के सवाल करिए। दतिया, हाँ कॉपी निकाल के सवाल करिए। आ गया, हाथ ऊपर करके बता दीजिए, आ गया क्या आप लोगों का? आ गया, बहुत बढ़िया। सांची का आ गया है सर, आ गया सर। बागधार का भी आ गया, नरसिंहपुर का आ गया क्या? यस सर, आ गया। नरसिंहपुर, आप बताइए कैसे किया आपने 14 और 32 का? सर पहले बताइए बेटा, 14 को कैसे लिखा आपने? दो गुणे सात, इसको हाथ के रूप में भी लिख दीजिए। तो दो की घात कितनी आएगी? एक। एक, और सात की घात? सात की घात कितनी आएगी? एक आएगी सर। एक, फिर 32। 32 का सर दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16, दूना 32, तो ये क्या आएगा? दो की घात, दो की घात पांच। पांच, अब अपन क्या देखेंगे इनमें कॉमन कौन कौन सा है? तो दो एक जैसा है, उभयनिष्ठ है, लेकिन सर दो की घात छोटी घात एक है सर, तो इसलिए दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा आपका नाम क्या है? सर गणेश प्रजापति जी। प्रजापति जी, बहुत बढ़िया बताया। तो छोटी घात क्या है इसकी? एक है, तो इसका एचसीएफ आया दो, दो की घात एक बराबर दो। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, थैंक यू। ये अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम में संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य, जैसे इसमें अभाज्य था ऐसे इसमें भी अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड की कौन सी घात? सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ठीक है, ये समझ में आया? ये एलसीएम होता है, लघुत्तम समापन, ठीक। इसको उदाहरण देके बताइए मेरे को। बागधार आप बताइए बेटा, आपका माइक चालू हो गया हो तो। बागधार, 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 हाँ बताइए बेटा, उदाहरण देके बताइए। अच्छा आप कॉपी पे कर लीजिए फिर बता दीजिए, दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सभी को, आप कॉपी में करके उदाहरण देके बता दीजिए। मंगलवार होशंगाबाद हो गया क्या? हाथ ऊपर कर दीजिए। ठीक, बताना चाहेंगे अगर आपका माइक स्टार्ट हो? हाँ
माइक नहीं है। नरसिंहपुर बताइए सर। उदाहरण बता रहा हूँ सर जी। उदाहरण बताइए बेटा। 2412 का उदाहरण सर लिया है। 2412 का उदाहरण लिया बेटा। ठीक है, 24 के गुणन, 24 और 12, 24 के गुणनखंड किए सर। 2×2×3, 2×2×3, 12 के 2×2×3 गुणे 3। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके आगे इसको कुछ लिखेंगे सर। तो इसका 2 की घात 2, 3 हो गया सर। 2 की घात 3, 3 गुणा 3 की घात 1, 1, ठीक है। अब दूसरा क्या है सर? 12, 12, बहुत बढ़िया। 2×2×3, 2×2×3, 3, फिर क्या होगा सर? 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1, 3 की घात 1। अब इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे सर? तो 2×2×3 सर, 2 की घात 3 बार लिखा है। 2 की घात 3 क्यों लिखेंगे? कौन सी घात लिखनी है अपने को? बड़ी वाली। एलसीएम में कौन सी घात लिखनी है? बड़ी वाली। 2 की घात 3 और क्या? 3 की घात 3 की घात जो भी एक। अगर बड़ी जो भी हो इसमें तो दोनों ही बराबर है तो 1 सर। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2×2×3 कितना हुआ ये सर? इसका 24 होगा सर। 24 सर। ये सही है उत्तर आपका? यस सर। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ हाथ ऊपर, बहुत बढ़िया। बागधार नसरुल्लागंज सीहोर का हाथ ऊपर नहीं हुआ है। नसरुल्लागंज सीहोर समझ में नहीं आया क्या? अगर समझ में नहीं आया हो तो हाथ ऊपर। हाँ आ गया, चलो ठीक। अब इसमें एक संबंध है, तो एक संबंध और है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उस संबंध को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। ये संबंध है किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए पर ध्यान से लिखिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ एवं एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसको, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ एवं एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण कौन देगा मुझे? इसका उदाहरण देके बताइए मुझे, उदाहरण देके बताइए। सांची सांची बताइए, इसका उदाहरण बताइए मुझे। कोई दो संख्याओं की बात हो रही है तो लेके, अच्छा ठीक है, कॉपी में कर रहे हैं तो आप लोग करके फिर 2 मिनट बाद बताइए मुझे उदाहरण। दो मिनट बाद बता दीजिए। सर 2691। 2691, ठीक है। दो संख्या ली आपने 2691। अब सबसे पहले क्या किया आपने? क्या किया बेटा? गुणनखंड निकाला सर। तो 26 का गुणनखंड कितना आया? 2×13, 2×13, ठीक है। इसको घात के रूप में लिख लिया, 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1, फिर 91 का क्या आया सर? 7×13, 7×13, तो 7 की घात 1, 1 गुणा 13 की घात 1, ठीक है। अब आप बताइए, अब आपका क्या होगा सर? एचसीएफ 13, एचसीएफ क्या हुआ? 13,
क्यों? क्योंकि जो दोनों में वैनिष्ठ है ना, वैनिष्ठ है, वैनिष्ठ क्या है आपका 13, तो वैनिष्ठ 13 की छोटी घात 13। अब जरा इसे लघुत्तम बताइए मेरे को और सही सही बताइएगा इसको। 2691 का लघुत्तम, क्योंकि पिछली बार आपने जो संख्याएं ली थी वो थोड़ी सी आसान बन रही थी। दो गुणित सात गुणित तेरह, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्योंकि सभी शामिल होंगे तो इसलिए ये ध्यान रखना, 2 की घात 1 × 7 की घात 1 जो महत्तम घात है, 13 की घात 1, तो 2 × 7 × 13 कितना है ये 182। ठीक है, अब आपका उदाहरण पूरा हो गया क्या? उदाहरण पूरा हो गया कि कुछ बाकी है इसमें? देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। छब्बीस गुणा 91 कितना है ये करके बताइए, 26 में 91 का गुणा 2366। और इसका लघुत्तम कितना आया था और महत्तम कितना आया था? एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था 182। 13 और 182 का गुणा कितना होगा? 2366। दोनों बराबर आ गया। यस सर। तो ये आपका उदाहरण स्पष्ट हो गया? यस सर। कोई क्वेश्चन करूं मैं आपसे? यस सर। ठीक है, आप बैठ जाइए, अब सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अब आप तीन संख्याएं ले लीजिए, कोई तीन संख्याएं लो, कितनी संख्याएं लोगे? तीन। तीन संख्याएं लो और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तीन संख्याएं लो और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। निकालिए। ये मंगलवार होशंगाबाद, पीछे बातें मत करिए। मंगलवार होशंगाबाद पीछे। ये तीन संख्याएं लीजिए और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। निकाल ली। बागधार जो है अब थोड़ा पीछे होने लग गया, अभी तक सबसे आगे चल रहा था। ये आप लोग पीछे बातें मत करिए होशंगाबाद। होशंगाबाद आप लोग है ना, तीन लोग जो हैं वो बहुत बातें कर रहे हैं। निकाल लिया होशंगाबाद, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। निकाल लिया बेटा, ठीक है। और तिमनी ने निकाल लिया क्या? बागधार निकाल लिया, हाथ ऊपर करके बताइए। बागधार निकाल लिया, माइक लेके मुझे बताइए इसको। बागधार बताइए, माइक लीजिए और बताइए मुझे। सर ये तीन तीन संख्या का बताइए, अलग अलग निकाल रखे। बोलिए बेटा। हेलो सर। हाँ बताओ बेटा। सर कौन कौन सी तीन संख्याएं ली आपने? बेटा कौन कौन सी तीन संख्याएं ली आपने?
बागधार। हाँ बागधार बेटा, अभी आपके माइक से आवाज आ रही थी, अब क्या हो गया? सांची रायसेन बताना चाह रहे हैं, सांची रायसेन आप बता दीजिए, सांची रायसेन बता दीजिए, बताइए सांची रायसेन सर। संख्या, हाँ कौन कौन सी संख्याएं ली आपने, कौन सी तीन संख्याएं ली सर? 12, 15, 21। 12, 15 और 21 आपने किया सबसे पहले सर। 12 का गुणनखंड 2 गुणित 3, 2 गुणित 3। 3 घातों के रूप में लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है सर। क्या हुआ? 2 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 1, गुणा 3 की घात 1। फिर किसका गुणनखंड किया? 15 का। 3 गुणित 5, 3 गुणित 5, 5। तो क्या आया? 3 की घात 1, 5 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ठीक है, फिर सर 21, 21, 21 को 3 गुणित 7, 3 की घात 1, 7 की घात 1, गुणित 7 की घात 1। तो अब इसका HCF कितना हुआ आपका सर? 3 की घात 1। HCF जो है वो उभयनिष्ठ इसमें क्या है? 3 है, 3। और छोटी घात क्या है? 1 है। तो 3 की घात 1, छोटी घात 1। ठीक है, इसके बाद में अगर आप है ना, और भी अगर अपन इसको जैसे यहाँ पर बेटा, मैं आप बहुत अच्छे से बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 2 इसमें है, इसमें है क्या 2? नहीं सर, नहीं है ना। नहीं होते हुए भी इसको 2 की घात 0 लिखा जा सकता है ना। यस सर, इसको भी यहाँ पे 2 की घात 0 और यहाँ पे 5 की घात 0 लिखा जा सकता है, यहाँ पे 7 की घात 0 लिखा जा सकता है ना। तो उसमें अपन छोटा बड़ा देखने में आसानी हो जाती है, 5 की घात 0, 7 की घात 0। अब अपने को क्या देखना है? जो कॉमन है, तो कॉमन में छोटी घात, तो यहाँ पे आपको 2 सब में कॉमन है, पर छोटी घात कितनी है? 0 हो गई। यस सर, तो 2 की घात हो गई आपकी 0। फिर आपके 3 की छोटी घात कितनी हो गई? 1, 1 है ना। फिर 5 की छोटी घात कितनी हो गई इन तीनों में? 0 हो गई। 0। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? सर अंकित राजपूत। अंकित राजपूत, बहुत बढ़िया। इसमें 7 घात कितनी हो रही है छोटी वाली? 0। 0। तो कुल मिला के ये तो 0 हो गए, ये 2 की घात 0 मतलब 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्या बचा? सिर्फ 3 सर। 3 एकम 3 यानी कितना हो गया ये? 3। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। बहुत बढ़िया बेटा सांची। अब इसका LCM बताओ सर। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। हाँ ठीक है, तो अब अपन इसमें 2 की बड़ी घात लेंगे है ना। तो 2 की बड़ी घात कौन सी है? 2, 2 की घात 2। बहुत बढ़िया बेटा। फिर 3 की बड़ी घात क्या है? 1, 1। फिर 5 की बड़ी घात क्या है? 1, 1। बहुत बढ़िया। फिर 7 की बड़ी घात क्या है? 1, 1। तो ये आपका हो गया 2 की घात 2 यानी 2 कितने बार? 2 बार है ना। फिर 3 कितने बार? 1 बार। 5 1 बार और 7 1 बार। कितना आया ये सर? 420। 420 आ गया। ठीक है, 7 5 का 35, 35 दिया कितना हो गया? 105, 105 दुनी 210, 210 दुनी 420। अब इन दोनों का गुणा करके देखो जरा, 420 और 3 का गुणा करिए, सब लोग करेंगे 420 और 3 का गुणा, 420 और 3 का गुणा करें और इन तीनों संख्याओं का गुणा करें सर। 1260 ये आ गया। 1260, 420 में आपने 3 का गुणा करा तो ये आ गया 1260। अब इन तीनों का गुणा करें। अच्छा, बिना गुणा करें बताएं, क्या ये 1260 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। चलो आप करके देख लो बेटा। आ रहा है सर? आ रहा है। यस सर, करिए। 12 में 15 का गुणा किया तो कितना आया? 180 सर। 180, 180 आया 12 में 15 का गुणा। 15 दुना 30 आपका, 15 एकम 15, 18, 180
180 में 21 का गुणा करा कितना आया 1260। 21 में 0 का गुणा करा तो 0, 21 अट्ठे करिए 180 में 21 का गुणा 168। 168 तो ये कितना आ गया आपका, सो 68 आया, 16 हासिल, ठीक है। तो क्या ये 1260 आ रहा है? सर नहीं आ रहा है, तो अभी आपने बोला था आ रहा है। असल में मैंने जो बोला था कि इस संबंध को बहुत ध्यान से देखना, तो इसमें मैंने एक खास बात लिखी थी। कौन सी लिखी थी? दो। क्या लिखा था, क्या लिखा था बेटा, बताओ बताओ सर। दो संख्या, तो ये जो है ये संबंध जो होता है वो सिर्फ कितने के लिए सत्य होता है? दो संख्याओं के लिए सर। दो संख्याओं के लिए सत्य होता है, तो इसमें इसका कभी मिस परसेप्शन जो है या ये मतलब नहीं निकाल लेना है कि ये तीन संख्याओं के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। ये इतनी सी बात बताने के लिए अपन ने उदाहरण लिया था, ठीक। अब इसकी प्रश्नावली का अपन प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 1.2 देखिए, दो का पहला प्रश्न जो है बहुत आसान है, इसमें से एक करके बता दीजिए आप मुझे, पांचवा करके बता दीजिए। 7429, ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड करिए आप लोग और बताइए। बताइए, करिए सब लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। सात हजार चार सौ उनतीस, कर लिया बेटा 7429। हो गया, साथी रायसेन बताइए। हो गया क्या बेटा, साथी रायसेन? यस सर। हो गया बागधार? हो गया, हो गया बागधार, बताइए 7429 के गुणनखंड। बागधार बताएं, हाँ बताइए बेटा बताइए। इसके पूरे अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। हेलो, चलिए सांची आप ही बताइए। सर 17 × 19 × 23। 17 × 19 × 23, तो इसमें क्या निकला कि 17, 19 और 23 ये तीनों अपने क्या हैं? अभाज्य अभाज्य संख्या है, है ना, इनके रूप में लिखा जा सकता है 7429 को, ठीक। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालना अपने लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो,
दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को लिख देता हूं मैं। इसमें आपको HCF और LCM निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, और ये आपका दो संख्याओं के लिए जो रिलेशन है वो भी ज्ञात करना है, 510 का और 92 का। निकालिए 510 और 92 का HCF LCM निकालिए और दोनों संख्याओं का गुणा भी करके देखिए। सब लोग करिए करिए बेटा। सर आपका माइक काम नहीं कर रहा, आपके या तो सेल डाउन हो गए हैं या कोई और प्रॉब्लम हो रही है। बागधार 510 और 92 इसका एलसीएम और एलसीएम का। हो गया है दतिया, हो गया क्या दतिया? दतिया कर रहे हैं? सांची रायसेन हो गया? सांची रायसेन राजपूत जी हो गया, हो गया क्या है आपका 510 और 92 का एलसीएम? पहले 510 की गुणा किसके 510 510 के गुणनखंड बताइए सर। 2×3×5×7 2×3×5×7 सर 7। हाँ तो इसका क्या लिखा आपने? 2 की घात, 2 की घात कितनी? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 एक, 5 की घात 1 7 की घात 1 फिर 92 92 के क्या आया सर? 17 है सर, 17 क्या 17 है सर? 7 की जगह 17, 7 की जगह 17 है। चलो ठीक है, एक करेक्शन कर लिया ठीक। लेकिन और कुछ तो नहीं है? अब 92 बताइए, 92। हाँ साची रायसेन बताइए 92 के गुणनखंड सर। 7×13 7×13 92 के सर। 2×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 
पक्का? तेईस सर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो की घात कितनी हुई? दो की घात कितनी हुई? दो। दो और तेईस की घात एक। बाकी सब जो इसमें नहीं है उनकी घात जीरो है। ठीक है, तो इसका आपका एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया सर? दो की घात एक। एलसीएम बेटा, एचसीएफ नहीं पूछ रहा हूँ, आप एचसीएफ बताने लग गए, है ना? एलसीएम बता सर। एलसीएफ दो गुणित दो। दो गुणित दो यानी दो की घात दो गुणा तीन। तीन की घात एक। पांच की घात एक गुणित तेईस। तेईस की घात एक। ठीक है, ये जितना भी आया होगा आपका कितना है, ये पूरा बताइए सर। 23,460। 23,460 बेटा, मैं करके नहीं देख रहा हूँ, आप देखिएगा। फिर इसका एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ दो। क्योंकि छोटी घात कितनी है? एक, है ना? एक। दो की घात एक बराबर कितना हो गया? दो। अब इन दोनों का गुणा कर लो। 23,460 में दो का गुणा करो सर। 46,920। 46,920। और इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, 510 और 92 का सर। 46,920 आ रहा है एक जैसा? यस सर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर फोर है आपका। क्वेश्चन नंबर फोर करके बता सकते हैं आप?
सर क्या चौथा क्वेश्चन करके बता सकते हैं? यस सर बताइए जल्दी से, किताब का चौथा प्रश्न करके बताइए, प्रश्नावली 1.2 का। करिए जल्दी, किताब नहीं है क्या आपके पास में? यस सर है। ठीक है करिए जल्दी से, इसमें दिया है HCF जो है वो 306 और 657 का 9 है, अपने को LCM ज्ञात करना है। करिए करिए। दतिया बहुत कम स्टूडेंट बैठे हुए हैं आपके यहाँ, दतिया आपको दो संख्याओं का HCF मालूम है, LCM मालूम करना है, करिए बागधार करिए, और जिस जिसका हो जाए हाथ ऊपर कर दीजिए। करिए बेटा हाँ बहुत बढ़िया। दतिया आपका माइक चालू है क्या? बागधार क्या करना माइक चालू दतिया माइक चालू है क्या आपका? चलिए बागधार आपका माइक चालू हो गया क्या? नहीं हुआ बेटा। चलिए सांची आप ही बताइए, सांची सांची बागधार कर रहे हैं, कर रहे हैं बेटा, करिए करिए करना है अपने को है ना, सभी लोगों को सीओ नसरुल्लागंज सीओ हो गया क्या? हो गया सर। हो गया सर। हाँ जी बताइए कैसे किया आपने, कौन सा संबंध लगाया आपने इसमें? सांची बताइए सर, 306 और 657 बराबर LCM गुणित 9। बहुत बढ़िया, तो ये आपने क्या किया, पहले 306 और 657 का गुणा किया, ये जो है दो संख्याओं का गुणनफल, अपना ये वाला संबंध लगाया इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, तो आपका HCF इसमें कितना दिया हुआ था 9 और LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है इसको व्यवस्थित करके लिख लिया तो 9 गुणा LCM बराबर 306 गुणा 657, LCM का मान निकालना है, LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9, 9 से इसे काट लिया, 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 34 और 657 का गुणा कर लिया तो ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक है अब अगला प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याख्या कीजिए सॉरी जांच कीजिए कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए
n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कर सकते हैं कि मैं बताऊं इसको, मैं बता दूं? यस सर। हाँ मैं बताता हूँ। पहले तो इन्होंने बोला जीरो पर समाप्त हो सकती है, जीरो पर समाप्त होने वाली कोई संख्या बताइए मुझे। जीरो पर समाप्त होने वाली कोई संख्या बताइए, बताइए जीरो पर समाप्त होने वाली संख्या। पांची आप ही बताइए, साथी रायसेन जीरो पर समाप्त होने वाला। हाँ बताइए बेटा। सर पांच, जो पांच से विभाज्य हूँ। तो अपन को, मुझे तो कोई एक संख्या बता दो जीरो से, जीरो पर समाप्त होने वाली। सर दस। दस, जैसे दस एक संख्या है, दस के गुणनखंड क्या होंगे? दो गुणा दो गुणित पांच। अरे दो गुणित पांच, दो गुणित पांच है ना। ठीक है एक और संख्या बता दो, एक और संख्या बता दो क्या? बीस। छह जीरो पे क्या समाप्त हो रही है बेटा? हाँ सर बीस। बीस, तो बीस के गुणनखंड बता दो। दो गुणित दो गुणित पांच। दो गुणित दो गुणित पांच, तो उसमें पांच जो है पांच होना चाहिए है ना, ये आवश्यक रूप से है। और क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। ठीक है और कोई सी संख्या बता सकते हो? 130 या कुछ भी होगी तो उसमें क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए और पांच, यानी वो पांच से विभाज्य होगी। आपने 15 जो है वो जीरो पे समाप्त नहीं होती, 15 जीरो पे नहीं है ना, 50। तो चलो 50 के लिख लेते हैं गुणनखंड। बोलो 50 के सर। हाँ दो, दो गुणे दो। हाँ गुणे दो, अच्छा सही लग जा रहे हो। दो गुणे दो गुणे दो गुणे पांच, दो गुणे दो गुणे पांच। अरे अरे दो गुणे दो गुणे पांच, अच्छा देखो बेटा कर लो जल्दी मत करो। दो गुणे दो गुणे पांच गुणे पांच, दो गुणे पांच गुणे पांच। अब अच्छा बोला है ना, तो इसमें भी देखो आप पांच आया और दो आया ना। ठीक है तो अपन इसे सबसे पहले एक अपना आवश्यक होता है कि पांच होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पांच। तो पांच के साथ सप्लीमेंट्री में दो आ सकता है, तो अपन पांच से चेक करेंगे। अब अपने छह की घात n है, तो छह की घात n को लिखने के लिए हम छह के गुणनखंड करें। छह के गुणनखंड करो आप। दो गुणे तीन, दो गुणे तीन, तो ये हो गया दो गुणे तीन की घात n। पर इसमें क्या पांच आया है? क्या पांच आया है इसमें? नहीं नहीं आया है। तो क्या इसमें ऐसे कोई संख्या बनेगी जिसके जो जीरो पे समाप्त हो? नहीं सर, नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि पांच जरूरी है ना अपने लिए। यस सर। ठीक है क्योंकि छह के गुणनखंड में पांच नहीं है। यस सर। अतः छह की घात n में ऐसी कोई संख्या नहीं बन सकती है ना। यस सर। ऐसी कोई संख्या नहीं बन सकती, बन सकती जो जीरो से समाप्त हो, है ना। यस सर। जो जीरो पर समाप्त हो। ठीक है ये समाप्त करके अपन आज का लेसन समाप्त करते हैं। लेकिन कोई भी लेसन का, कोई भी लेसन फ्रूटफुल तब होता है या कामयाब तब होता है जब आप उसका रिवीजन करें, और सबसे पहले उसकी जो कठिनाइयां हैं वो निकाल के रखें और मुझसे पूछें। अब हमारी रेगुलर मुलाकात होती रहेगी, होती रहेगी। आप अपनी कठिनाइयां निकाल के रखिए। ठीक है धन्यवाद बेटा।